बहादुरगढ़ में क्यूआई 325 के पार पहुंच चुका है। एक तरफ प्रदूषण की मार है, दूसरी ओर प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। झज्जर जिले के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने देर रात जिले भर के सभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी और प्ले स्कूल के साथ ही आंगनबाड़ी बंद करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन सुबह सवेरे ही छोटे छोटे बच्चे स्कूलों की तरफ जाते हुए नजर आए। वहीं स्कूल की बसें भी छोटे छोटे बच्चों को लेने के लिए उनके घरों तक पहुंची थी। साथ ही सड़क किनारे भारी मात्रा में कूड़ा भी जलता हुआ नजर आया। प्रदूषण की मार से फिलहाल लोग परेशान हैं। बहादुरगढ़ से खबर सामने, आपको बता दें बहादुरगढ़ में एक क्यूआई 325 के पार पहुंच चुका है। जहां एक तरफ प्रदूषण की मार है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर स्कूल बंद होने के आदेश जारी करने के बावजूद बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आए। पांचवीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, वहीं आदेश के बावजूद भी स्कूल खुल रहे हैं। वहीं बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आए, साथ ही इस दौरान सड़क किनारे कूड़ा भी जलाया गया। प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए चार जिलों में पांचवी क्लास यानी प्राइमरी स्कूल तक छुट्टियां कर दी गई हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर समेत जिंद में नर्सरी से प्राइमरी तक स्कूल बंद किए जा चुके हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर से सटे जिलों के डीसी को शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में छुट्टी करने के आदेश दिए थे। हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में आते हैं, 7 जिलों में स्कूल बंद हो गए हैं, जबकि बाकी 10 जिलों को लेकर भी जल्द फैसला हो सकता है। हालांकि पहले ही कुछ जगहों पर प्रशासन के इस आदेशों की धज्जियां उड़ती नजर आई। छुट्टियां होने के बावजूद सुबह नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाते नजर आए। जो है माननीय जिला उपायुक्त महोदय के अगुवाई में ये जो है फैसला लिया गया है कि विद्यालय जो प्राइमरी स्तर के हैं, प्री प्राइमरी है, आंगनबाड़ी है, वो सारे के सारे 11 नवंबर तक जो है वो बंद रहेंगे और अध्यापक जो है ऑनलाइन मोड से बच्चों को जो है शिक्षा का कार्य करते रहेंगे। तो जो ये AQ लेवल जो हमारा 300 से ऊपर लगातार जा रहा है या क्रैप 4 एक्टिविटीज़ है, उसको कंटेन करने के लिए जो है ये कदम उठाए गए हैं। और कम से कम ये है कि बच्चे अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ सुरक्षित रहेंगे। देखिए ग्रेप जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स टू एयर पोल्यूशन जो स्कीम लागू की गई है पिछले 2 वर्षों से, उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव निकला है, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली पोल्यूशन का लेवल जो है वो 400 तक पहुंच गया है, जिसके अंदर स्टेज 4 की रिस्ट्रिक्शंस लागू हो जाती है। स्टेज 4 के रिस्ट्रिक्शंस में बड़ी संख्या में कमर्शियल व्हीकल्स के मूवमेंट पर NCR के अंदर जाने में रोक है, अन्य विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों पर, वाणिज्यिक संस्थानों पर भी विभिन्न प्रकार की रोक है। उसी अनुसार से आदेश डिटेल में आदेश जारी कर दिए गए हैं और वो आदेश सभी विभागों को, सभी संबंधित लोगों को मानने अनिवार्य है।